guys really want to support me in the playground, download the Rumble app. Go inside the app and vote for Vanshaj Singh. तुम लोगों को रोज वोट कर सकते हो, तुम्हारे एक वोट से मेरे 50 पॉइंट्स बढ़ेंगे. तो अगर तुम सारे वोट करके मेरे को सपोर्ट करोगे और अपने घर वालों के अलग अलग फोन से वोट करवाओगे, that really help me and my journey on playground. Triple A Werewolves versus KO Krakens, पहला मैच खेलने वाले हैं Vanshaj versus Devanshu. Let's रंबल. इंटरेस्टिंग, ये जो खिलाड़ी हैं वो भी रहने वाले, लेकिन शुरुआत वंशज ने क्रिटिकल हिट से करी. और दिवांशु की बात करें, ब्लॉक करने की कोशिश की जरूर से थी, लेकिन वंशज को काफी बढ़िया तरीके से पता है कि कौन से जो अटैक है उसको कब इस्तेमाल करना है. अल्टीमेट भी हमें उनके पास आते हुए नजर आएगा और एक आसान सा राउंड. दिवांशु की बात करें, चले कम से कम एक हिट तो उन्होंने कनेक्ट किया. चले फाइनली उन्होंने अल्ट का इस्तेमाल किया तो है, और एक दो शॉट, एक फाइनल शॉट, 106 पे मात्र बड़ मंकी के उनके पास अपना शैडो बोर्ड रैग इस्तेमाल किया. बट वंशज से बेहतर कौन इस मूव को समझता है. बट वहीं पे वंशज की बात करें, 99 एचपी पे वहां पे वो बचे हुए थे. अगर हम बात करें शैडो फाइट के, और उनको अब समझना पड़ेगा कि सामने वाले जो प्लेयर्स है, सामने वाली जो टीम है, उन्होंने भी इनफ प्रैक्टिस कर ली है और बहुत बार ऑलरेडी यहाँ पर खेला जा चुका है ये गेम, तो उनको भी एक बेहतर जो सोच है और बेहतर जो मूव्स है वो पता होने वाले. अभी के लिए कॉर्नर में ऑलरेडी देकर के जा चुके हैं, बुचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुश्किलें बढ़ा सकते हैं. बट चलिए एक बार फिर से उनके पास वो अल्टीमेट आएगा, इस्तेमाल करेंगे या देरी करेंगे. बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी, और मेरे ख्याल से वो गलती जो पहले वंशज ने की इस राउंड में बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे. इजी राउंड उनके लिए गया तो सही, बट अब देखना ये कि ये जो फाइनल मुकाबला है दोनों के बीच में कौन जीत के जाएगा, कौन दिलाएगा अपनी टीम को पहला वो 3 अंक, क्योंकि पिछले 2 दिन केओ क्रैकेंस का रहा है. कल ट्रिपल ए वेवल्स नो डाउट जीती थी, वंश ने भी बेहतर खेला ही है, बट आज उनका भी दिन हो सकता है. बट वहीं पे अगर दिवांशु की बात करें, पिछला राउंड थोड़ी कोशिशों के बावजूद वो हारे, बट यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि वंशज कोई और मौका देने वाले. अल्टीमेट उनके पास है, इस्तेमाल किया जाएगा, शायद उसकी जरूरत भी ना पड़े. मात्र 180 94 एचपी उनके पास. बिल्कुल, काफी बेहतर गेम पे हमें देखने को मिला. चलिए अल्टीमेट का उन्होंने इस्तेमाल किया जरूर, रहा कि कुछ खास जरूरत थी नहीं उसकी. दिवांशु की बात करें, बस एक हिट दूर और वो कनेक्ट किया भी जाएगा वंशज के द्वारा. वो जो पहला राउंड था वहां पर मुझे लग रहा है शायद थोड़ा हल्के में लिया गया वंशज के द्वारा. कल के दिन पे ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स अजय थी, आज शुरुआत उन्होंने वैसा ही की है. गेम्स हैव जस्ट बिगन और ऑब्वियसली हमारे ट्रिपल एवरेज प्लेयर्स बहुत ही अबव एवरेज खेल रहे हैं. वंशज, तुम लोग बोलना बंद कर दो कि आप लोग एवरेज प्लेयर्स हो. 25th के बाद बोलेंगे, अभी हम कभी नहीं बोलेंगे. दिस इज फॉल्स मॉडेस्टी, दिस इज नॉट व्हाट यू ऑल थिंक अबाउट योरसेल्फ्स, बिकॉज़ ये बहुत सारे बोलते हैं ये गंदा खेलता, ये भी गंदा. अच्छा, मतलब अच्छा था मैचेस, पर स्टार्ट मेरे फर्स्ट मैच में फर्स्ट राउंड पे दिवांशु ने बहुत ओवर पावर किया मंकी किंग से. मैं फिगर आउट ही नहीं कर पाया वो क्या कर रहा है, और मैं वो खत्म हो गया. फिर मेरे को मैं एकदम उठ के बैठी हूँ, ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे तो नहीं जा सकता है राउंड. फिर दोनों निकल गए, बट उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया, स्पेशली दिवांशु बहुत अच्छा खेला सब. मैच 4 फाइट 2 वंशज वर्सेस अमन, प्लेयर्स आर यू गाइस रेडी? It's Butcher versus Butcher, Aman versus Vanshaj. शुरुआत तो उन्होंने बहुत बेहतर की, बट चलिए वंशज कॉप्शे में इस वक्त लेके जाते हुए अमन को, और शायद अल्टीमेट का इस्तेमाल भी कर दिया जाएगा अमन के द्वारा. जी हाँ, और उसी के साथ अब वंशज बहुत ज्यादा बैकफुट पे. मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि बहुत क्लोज है मुकाबला जाएगा, बट मैं सोच रहा था कि वंशज भी उतना स्टेप अप करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो अमन वन साइडेड इस मैच को अभी तक आगे लेकर के जा रहे हैं. ये राउंड इंपॉर्टेंट है, वंशज की बात करें उनको कमबैक करना पड़ेगा. अल्टीमेट एक बार फिर से आ चुके हैं वहां पे, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है. वहां पे इजीली वंशज को डाउन किया जाएगा, और वंशज थोड़ा प्रेशर तो उनके ऊपर जरूर. अभी भी आप देखें वंशज थोड़ा पीछे गए, उनको भी पता था हुक का इस्तेमाल किया जाएगा अमन के द्वारा. चलिए यहाँ पे वंशज ने हुक का इस्तेमाल किया और वो कनेक्ट होगा, और इस राउंड को जीतना ही जीतना है. अगर यहाँ पे हारे तो ये पहली हार होगी ट्रिपल ए वेवल्स के लिए. बट वंशज की बात करें, अभी भी उनके पास अल्टीमेट है. चलिए अब फाइनली उसका इस्तेमाल किया गया, 390 एचपी मात्र रहेगा इस वक्त अमन के पास. ये मुकाबला हर हाल में जीतना है, और वो जीत भी जाएंगे. और अब यहाँ पर अमन थोड़ा पसीना पोंछते हुए भी नजर आ रहे हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फाइनल राउंड हमें देखने को मिलने वाला है. वही बात करें वंशज की, उनकी टीम ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, लेकिन ये एक बेहतर चीज, आप पटकी को ब्लॉक नहीं कर सकते. अल्टीमेट का इस्तेमाल वहां पर जरूर से किया जा सकता है, और वो किया जाएगा अभी के लिए अमन के द्वारा. लेकिन वंशज डॉज करेंगे उसको, और आप देखिए क्या बेहतर गेम प्ले दिखा रहे हैं. अमन बस वंशज को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं. हुक का इस्तेमाल किया जाएगा, अमन को थोड़ा और करीब बुलाया गया है. वहां पर कुछ एबिलिटीज का इस्तेमाल करने की कोशिश थी जरूर, लेकिन ब्लॉक का बेहतर इस्तेमाल, और अब बारी है वंशज की, उनको अल्टीमेट का इस्तेमाल बेहतर करना आता है. अमन पूरी
तरीके से बैक फुट पर और यहाँ से कम बैक बहुत मुश्किल। पर अमन की बात करें, उन्होंने भी अपने अल्टीमेट का इस्तेमाल किया, पिछली बार वो मिस कर गए थे बट वो देख पा रहे थे। दूसरी तरफ उन्होंने बटन दबाया और फ्रंट पे देखने की बजाय वो बैक पे देखने लगे। एक मौका था उनके पास जहाँ पे वो वंशज को पछाड़ सकते थे, बट अब वो मौका वंशज तो देने से रहे। और इसी के साथ बैक टू बैक ट्रिपल एवियर्स अपना ये छठा मुकाबला जीतते हुए उसके बाद सब राउंड रॉबिन खत्म हो रहा है ना। जल्दी चालू किया जाए ये मुकाबला, क्योंकि अब इंतजार नहीं होता, क्योंकि बैक टू बैक दो मुकाबले उन्नति ने जीता है और अब उनके सामने रहेंगे वंशज। चलिए लिंग वर्सेस लिंग का ये मुकाबला देखना पड़ेगा कौन बेहतर खेलता हुआ नजर आएगा। अभी के लिए वंशज ने शुरुआत काफी बेहतर की है, स्टार्टिंग में ही काफी ज्यादा डैमेज उन्होंने दिया और वो कोई भी रिस्क लेना चाहते नहीं है। साफ साफ वो स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है कि शुरुआत से ही अटैक कर रहे हैं। वंशज की बात करें काफी आसानी से उनको हराते हुए नजर आएंगे। वंशज कुछ अलग मूड में देखने को मिल रहे हैं, काफी ज्यादा ही गुस्से में है। क्यों गुस्से में है पता नहीं, और वो भी मल्लिका को क्या वहाँ पे सिखा रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि ऐसे कुछ मूव्स होते हैं, आप भी कभी खेलो इस कैरेक्टर को तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं दो टीम के बीच में होने वाला और इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त और अब शुरुआत करेंगे फाइनल्स की। पावर फीनिक्सेस वर्सेस ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स फाइनल्स टीम्स बेस्ट ऑफ फाइव। शुरुआत करेंगे इस मुकाबले की। अभी तक एक एक का स्कोर लाइन चल रहा है। मैं जनता को बताना चाहूंगा कि बेस्ट ऑफ फाइव का ये जो फाइनल्स है वो हमें देखने को मिलता हुआ, जहां पर अभी तक एक मैच पावर फीनिक्सेस ने जीता है, एक मैच जीता है ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स ने, और अब ये हमको तीसरा मुकाबला देखने को मिलता हुआ जहाँ पर वंशज भारी पड़ते हुए कैनरी पे। वंशज गुस्सा निकाल रहे हैं जो कि अनिरुद्ध को निकालना चाहिए था सामने वाले खिलाड़ी पे, बट वंशज कह रहे भैया मैं मौका नहीं देने वाला। अच्छे समय पे उन्होंने खुद को मोड़ा और क्रिटिकल हिट दिया है वहां पे वंशज को, बट वंशज थोड़े से इमोट्स करते हुए नजर आएंगे। अल्टीमेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या वो यहाँ पे वंशज को हरा सकते हैं, क्योंकि एचपी तो वंशज की बहुत ज्यादा कम है। मात्र 268 एचपी पे हमें वंशज दिखाई देंगे। एक बार फिर से हिट करने की कोशिश, कामयाबी हासिल, बट नहीं, शैडो मोड का अच्छे समय पे इस्तेमाल, वंशज ये राउंड जीतेंगे। वंशज को मात्र एक राउंड और चाहिए, बट चलिए बढ़िया वो चीज ग्रैपल का इस्तेमाल करा जाएगा। एक बार फिर से मुश्किल बढ़ाने की कोशिश कैनरी की। पिछला राउंड काफी करीबी गया जरूर से था, बट क्रिटिकल हिट की बारी इस बार जरूर से रहने वाली है वंशज की, और कैनरी उनको बचना पड़ेगा क्योंकि ग्लो कर रही है स्वॉर्ड अभी के लिए वंशज की। इमोट्स भी कर रहे हैं बट उनको भी पता है कि मुश्किलें किसी वक्त भी बढ़ाई जा सकती है। चलिए मजे जरूर से लिए जा रहे हैं और एक क्रिटिकल हिट का इस्तेमाल, इसी चीज का इंतजार किया जा रहा था, और वंशज काफी आसानी से हराते हुए नजर आएंगे कैनरी को। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगला मुकाबला पारस वर्सेस मल्लिका है एक बार फिर से। फर्स्ट राउंड तूने गुड किया, मत कर जंप, मैं तेरे को बोला ही नहीं जंप करने उसका, तो फिर जंप कर। अभी क्या करूँ, थोड़ा पीछे चले जा, रोल कर, बस 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 आने जा, बस उसका ले अटैक, मार मार, बस ले उसका डैमेज, ले करते रहे करते रहे अटैक, बस डैमेज ले, मार मार, बस छोड़, मार मार, बस मान ही दो उसको, क्यों छोड़ा, चलेगा, जंप किक जंप किक जंप किक जंप किक जंप किक जंप किक, बढ़िया सेक्सी, मारते रहे मारते रहे, बढ़िया कोई नहीं, दबा के मार चुके, कोई नहीं कोई नहीं, मायरी सोल्ड है, तलवार जारी सोल्ड, क्या करूँ, आने दो उसको पास से, किक 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 किक, बढ़िया प्रो सेक्स, बस मारने दे उसको, किक 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 किक, बस अल्टा अल्टा दे दे, आपका गुरु इतना बढ़िया हो तो आप सीख ही जाते हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे वंशज ने सिखाया है, चार में से तीन मुकाबले उन्होंने जीते हैं, और आज के दिन पे अगर बात की जाए वंशज की तो खुद तो सारे मुकाबले जीते ही जीते, और साथ ही साथ मल्लिका को जो उन्होंने टीचिंग दी है, क्या बेहतरीन वो खिलाड़ी, द वेरी एवरेज रोहित, द वेरी एवरेज अक्षु फ्रॉम द वेरी एवरेज ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स। ओके सो द नॉट जस्ट द विनिंग कैप्टन राइट नाउ, ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स ने सोचा है कि पूरी टीम के साथ यहाँ पर आते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट एनी लाइज, मुझे पता है ये एवरेज का जो तुम लोग खेल खेल रहे हो पिछले कुछ दिनों से, सच सच बताओ एवरेज एवरेज एवरेज, ये तुम लोग सामने वाली टीमों को बोल रहे हो ना एवरेज एवरेज, बिल्कुल नहीं, हम सब खुद को एक दूसरे को बोलते रहते हैं हम एवरेज पे, इसने गंदा खाया है कुछ, मैंने आज कुछ मैंने भी खाया है, चोको खाए हैं, मैंने खाया है आज, इसने भी खाया, पहले तो आप लोग ट्रॉफी ले लो, वेल डिजर्व, ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स जीत का स्वाद।
सब एक हाथ लगा लो। आठ ट्रॉफियों के साथ आप लोग एकदम टॉप पर हैं। ऑफ कोर्स ट्रिगर इज क्वाइट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, लेकिन इस समय वंशज आपने एक प्रॉमिस किया था निश्चय को कि इस बार तो आप लेकर ही आएंगे ट्रॉफी, तो किया था उन्हें इस बार लेकर ही आएंगे। और यहाँ पे भी ऐसा है कि माहौल बन जाता है कि लोग रोने लग जाते हैं कि सिर्फ हमारे गेम्स आ रहे हैं, बट रॉकेट लीग हमारा गेम नहीं था कभी और हम लोग उसमें फोर्थ फिफ्थ आते थे। इट्स जस्ट अबाउट अडैप्टिंग टू सर्टेन गेम्स। अगर चार गेम्स के बाद भी वो लोग नहीं खेल पा रहे हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं है, उनको बेटर होना पड़ेगा। बट रेस्ट वी आर हैप्पी, टीम डिड गुड। हम लोग शैडो फाइट में कभी इतने अंडर कॉन्फिडेंट नहीं गए, आज डर रहे थे हम जाने से, बट संभल गए गेम्स। Let's go. Yes. Ben, humility में बिल्कुल average नहीं है ये। Average. Thank you so much, guys. Congratulations. Well deserved. Last but not the least, charge gamer of the day. चार्ज गेमर ऑफ द डे ज्यादा है हमारे बहुत ही प्यारे वंशज को from AAA Werewolves. तो यू नो द ड्रिल, आप तो काफी बार ये कर ही चुके हैं। वंशज तुम्हारा एक शाउट भी है बहुत ही फेमस। वाका पेन से कभी नहीं करेंगे, पेन से कभी नहीं कराया तुमने। बेन आपको भी करना पड़ेगा। अरे यार आपको एक हाथ ऐसे रखना है। अरे यार रोहित भाई कम ऑन, अब आपको बोलना वाका वाका। रोहित भाई आप तो सीख रहा हूँ, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट है आप में। तुम बहुत चार्मिंग हो रहे हो यार, डे बाय डे ऐसे ही खेलते रहोगे तो मुझे भी क्रश हो जाएगा तुम पे। थैंक यू सो मच वंशज एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द चार्ज्ड गेमर ऑफ द डे। Congrats. If you guys really want to support me in the playground, download the Rumble app. Go inside the app and vote for Vanshaj Singh. Tum logo ko roz vote kar sakte ho aur tumhare ek vote se mere 50 points badhenge. To agar tum sare vote karke mere ko support karoge aur apne ghar walon ke alag alag phone se vote karwaoge, that really help me and my journey on playground. Mujhe pata hai tum log chat mein waka likhte ho, waka Vanshaj likhte ho, mere liye wahi ek bahut bada support hai. Bye bye. Chadaron ki salvaton mein khwab mere nap se gaye, haazri lagana bhul क्लास ले रहा कब से नहीं, आगे मुंदी सो गया मैं ख्वाब मेरे फिर से वही, मंजिलों पे पहुंचाना गिरा पर उनकी छत से कई आखिरकार ड्राम लेके वीडियो का बात मैंने रहा जैसे बिना कॉल पीसीओ से बात, और सब है ये कह दे कि मैं हूं निकम्मा पर क्या करूं काम।